एक क्वेश्चन है आपसे कि जो प्राणी हत्या ना करने का, तो अगर कोई डॉक्टर डॉक्टर अगर एंटीबायोटिक्स देते हैं तो क्या वो सील खंडित हो जाते हैं? नहीं, एंटीबायोटिक देने से खंडित नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि वो वहां पर मारना उद्देश्य नहीं होता है, वहां पर बचाना उद्देश्य होता है। हृदय में मैत्री होती है और बचाना, प्राणियों को बचाना उद्देश्य होता है, इसलिए वो पाप है। वंदामि कोई? कुंती हाँ जी, आशीर्वाद है। बंधु जी, मैंने माफी चाहती हूँ, मैंने लेट ज्वाइन किया, पर मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आंसर भी मैं ही देती हूँ, आप बताना गलत या सही कुछ, या फिर बाकी समझाना। हम लोग जब देखते हैं माता पिता तो बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, और माता पिता को बच्चे जब बूढ़े हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, तो यहाँ गलत क्या है? ये स्वार्थी प्रेम है इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध की भी एक स्टोरी आती है ना विशाखा का, उनकी नाती का जब देहांत हुआ तो वो बोले कि ये सारे बस्ती के सभी को तू आप अपनी नाती समझो, एक ये स्टोरी है। और बाबा साहब ने भी बोला कि पति पत्नी में मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ गलत होते हैं माता पिता की सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? ये पुत्र प्रेम, ये स्वार्थी प्रेम होता है थोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। माता पिता के हृदय में पुत्रों के प्रति स्नेह होना एक स्वाभाविक है और होना ही चाहिए। और दूसरे जो प्राणी है उनके प्रति भी मैत्री सद्भाव होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि अपने पुत्र पुत्री के प्रति जैसा स्नेह होता है वैसा नहीं होता है। तो मतलब दूसरों के प्रति नहीं होता है, तो कोशिश करनी है कि उस तरह की मैत्री सद्भाव मतलब ये करे। अगर ऐसा व्यवहार उस मतलब कायम रहता है समझो, और उसी मैत्री करुणा के साथ अगर हम अपने पुत्रों को सुसंस्कार देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, उसको कर्म और कर्म के विपाक पर भरोसा दिलाते हैं कि कर्म ऐसे होते हैं, दुष्कर्म नहीं करना है, कुशल कर्म करने उसके परिणाम मिलते हैं, है ना। और मतलब इस तरह से उसको सुगति दुर्गति का भय, मतलब दुर्गति का भय दिखाते हैं, सुगति के शुभ परिणामों को दिखाते हैं, तो वो बच्चा कभी भी बुरा कर्म नहीं करेगा। आजकल के लोगों को, आजकल के लोग मतलब माता पिता मतलब बचपन में चाहते तो है कि वो बहुत अच्छा बने, लेकिन स्वयं भी वैसा अच्छा नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जैसे शील पालन करना, भगवान के प्रति श्रद्धा होना, सम्यक दृष्टिवान होना, फिर बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति शीलवान बने, सम्यक दृष्टिवान बने, वैसा नहीं होता है। तो बच्चों को ऐसा वैसे संस्कार देने चाहिए। अगर वैसे देते हैं तो भले ही माता पिता फिर भले दुशील हो, लेकिन बच्चा अगर वैसे बन जाता है वो कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा, ठीक है। तो इसीलिए भी माता पिता के प्रेम में कोई कमी नहीं है। अगर कोई भी बच्चा ऐसा कर देता है तो वो माता पिता के प्रेम का दोष नहीं है, उनके मैत्री का दोष नहीं है, वो उस बच्चे का दोष है, ठीक है। और लेकिन फिर भी माता पिता में वो मैत्री सद्भाव हमेशा वैसे ही रखना अच्छा है, ठीक है। तो पुत्र पुत्र के प्रति वो चाहे जैसे अपना व्यवहार करे, अपना जो जो भी स्वभाव मूल स्वभाव है पेरेंट्स ने, वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे भी अपने माता पिता के हमेशा सेवा करने वाले बने, सुसंस्कारित बने, तो उनको इस प्रकार का ज्ञान देना चाहिए। सबसे पहले उनको भगवान बुद्ध धर्म संघ के बारे में बताना है, सम्यक दृष्टिवान बनाना है, श्रद्धावान बनाना है, शीलवान बनाना है, और ये गुण होने के बाद उनके भीतर मैत्री करुणा जागेगी, और ये गुण जागने के बाद वो कभी भी मतलब कृतघ्न नहीं बनेंगे, कृतज्ञ बनेंगे, वो अपने माता पिता के उपकारों को समझेंगे और कृतज्ञता के कारण उनकी सेवा करेंगे। जरूर जी, साधु साधु साधु। जी, आशीर्वाद है। मंत्री जी, ये चार ब्रह्म विहार के अंदर प्रतिक्षण रहने के लिए हमें हाँ क्या करना होगा? हाँ उसकी एक भावना है, मतलब जो हम बताने वाले वो आगे भावना है, जैसे कि भाविता, बहुलिकता, यानिकता, वो जो क्रम है उस क्रम से आपको मैत्री आदि जो भी ब्रह्म विहार है उसके विहार करना होता है। तो ऐसा होने के बाद आप उसमें प्रतिष्ठित हुए व्यक्ति हमेशा बनेंगे, 24 घंटा उसमें आप विहार कर सकते हैं।
वहां बताएंगे आपको, इसके अगले प्रवचन में उसका क्रम बताने वाले हैं। धन्यवाद। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। पंत जी एक प्रश्न है, हाँ जी, यदि हमारे कोई रिलेटिव्स हैं सपोज, मतलब वो शील पालन नहीं करते हैं और वो हम लोग को क्लियरली दिखता भी है, वो पांच शील अपने को पता है और उनके मन में हमारे प्रति अच्छा नहीं है, मतलब वो क्लियरली समझता है जब वो हमारे साथ बात करते हैं, कोई टॉन्ट मारते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं बार 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 बार, इवन इफ यू डोंट रिएक्ट इन दैट वे, तो उनके प्रति मैत्री तो करना ठीक है, बट क्या उनके साथ में भी रहना चाहिए, बिकॉज वो सुटेबल एनवायरनमेंट फिर रहता नहीं, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? दूसरा प्रश्न ये है कि जब मैत्री करने वाला पर्सन फिर भी मैत्री करता है, माफ कर देता है, लेकिन थोड़ा दूर रहता है उनसे, और फिर मैत्री करते करते उसका मन शुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर वो जब सपोज गुजर जाता है और जहां भी जाता है, जैसे ब्रह्म विहार करने के बाद ब्रह्म लोक में उत्पन्न होता है ऐसे आपने कहा, तो वहां जाने के बाद उसमें और जो दूसरे लोग हैं जो दूसरे संप्रदाय के हैं जो ब्रह्म विहार करके ऊपर जाते हैं, उनके आगे फ्यूचर में क्या होता है जब उनका काल वो पूरा जी लेते हैं वहां का, उसके बाद वो फिर से नीचे गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं, जो बुद्ध शासन से जाते हैं और जो बुद्ध शासन के बाहर से जाते हैं, कोई डिफरेंस होता है कि दोनों भी गिर जाते हैं? ठीक है, हम हाँ बताएंगे। सबसे पहले आपने उसमें दो प्रश्न पूछे हैं, मतलब जो आपने पारिवारिक जो लोग हैं, ज्ञाति रिश्तेदार, वो दुशील है, दुराचारी है, या उनके जो मतलब बुरा व्यवहार करते हैं, तो उनके प्रति कैसा हमें रहना है? तो उनके प्रति हमेशा मैत्री भाव बनाए रखना है और कोशिश करनी है, अगर मैत्री सद्भाव से अगर उनको समझा सकते हैं तो वो सबसे बड़ी जीत है। बहुत अच्छी, मतलब वो आपने एक अच्छा बहुत बड़ा कुशल कर्म किया है। अगर आप उनको सम्यक दृष्टिवान बनाते हैं, शीलवान बनाते हैं, श्रद्धावान बनाते हैं, तो आपने सबसे बड़े उपकार किए। और ये अगर ऐसा करते हैं तो आपने अपने रिश्ते का आप अपना फर्ज निभाते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम आप मैत्री और करुणा हमेशा बनाए रखें। कभी भी उनके प्रति क्रोध या द्वेष, वैर भाव दूर, मतलब ऐसे घृणा जैसा नहीं। अगर वो अपनी जगह रहे, वो ठीक है अपनी जगह रहे, लेकिन वो सुखी रहे, मैत्री भाव कायम बना रहे। जो मूर्ख लोग होते हैं उनसे दूर रहने के लिए भगवान ने कहा है ना, मतलब मूर्ख फिर भी मैं मैत्री उनके साथ ही रहूंगा, ऐसा नहीं। ठीक है, उनको मूर्ख लोगों से दूर रहना है, लेकिन मैत्री करुणा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अपने आंखों में या उनको जब भी देखेंगे आंखों से, तब मैत्री करुणा वैसे ही होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ना एक दिन जरूर उसमें बदलाव होगा ही। अगर नहीं भी होता है तब भी आपने उपेक्षा ब्रह्म विहार है, उसके साथ में उनके पास मैत्री करुणा बनाए रखना है। ये पहला है, जो व्यक्ति ब्रह्म विहार की भावना करता है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, अगर वो भगवान का श्रावक होता है, और भगवान का श्रावक होता है तो वो व्यक्ति दुर्गति में नहीं जाता, अपना देह छोड़ने के बाद सुगति लोक में जाता है, खास करके ब्रह्म लोक में जाता है। और वहां से च्युत होने के बाद अगर वो मार्गफल लाभी नहीं है, तब भी वो किसी न किसी सुगति लोक में रहता है, जाता है। लेकिन जो पर सांप्रदायिक व्यक्ति है, जैसे कि लौकिक सम्यक दृष्टि, यानी कि जो भी दूसरे सांप्रदायिक, वो भी ब्रह्म विहार की भावना करते हैं और अपने देह छोड़ने के बाद ब्रह्मलोक में उत्पन्न होते हैं, लेकिन वहां का जो लाइफ स्पैन है, आयु प्रमाण खत्म होने के बाद वो या तो फिर से या तो निरे में जाते हैं, नहीं तो तिरछन लोक में आते हैं, नहीं तो मनुष्य लोक में आते हैं। मतलब उनको, मतलब लेकिन इतना मात्र निश्चित है कि वो निरे जाने से या तिरछन लोक में जाने से मुक्त नहीं होंगे। वो चाहे मनुष्य लोक में या उससे निचले देवलोक में भी आ सकते हैं, लेकिन भगवान का श्रावक ऐसे नहीं है। जो भगवान का श्रावक बने हुए हैं वो लोग जब ब्रह्म विहार की उस तरह से भावना करते हैं, उस लोक में जाने के बाद वो कभी वहां से वापस नहीं आते हैं। वो वही रहकर आगे की जो विपसना है वो बढ़ाते हुए, आगे के जो उद्दम भाग्य संयोजन है, उन संयोजनों को नष्ट करने के बाद वहां अरहंत तो प्राप्त करते, मोक्ष प्राप्त कर लेते। तो प्राचीन काल में इन्हीं शब्दावली को यूज करके कहा है कि ब्रह्म लोक, वहां पर वहां मुक्ति है, मोक्ष है आदि, लेकिन वो सबके सभी लोगों के बारे में बताया नहीं, वो भगवान के श्रावकों के लिए कहा है। लेकिन पर्टिकुलरली जो अनागामी बनते हैं वो तो शुद्धावास भूमि में जाते हैं, लेकिन मैंने जो पिछले प्रवचनों में जो बताया था कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा के अनुसार
ब्रह्म विहार की भावना करने के अनुसार उनकी गति कहाँ तक पहुंच जाती है, कहाँ किस फल तक पहुंचते हैं, किस लोक में वो जन्म लेते हैं, वो जो बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी तीन प्रकार के स्टेज होते हैं, उसको हीन होता है, मध्यम और परिणति हर स्थिति की। तो उस तरह से लोग अलग अलग चेंज होते थे। तो भगवान का श्रावक वहां से वहीं पर वहां तो जन्म लेता है लेकिन वो वापस नहीं आता है, लेकिन बाकी पृथक जन लोग वापस आ जाते हैं, ये पृथक है। साधु साधु साधु, नमो बुद्धाय। हाँ नमो बुद्धाय बंते जी। जी, आप जी हाँ बंते जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे आपने अभी कहा कि करुणा और मैत्री और करुणा जब होगी तो फैमिली में, लेकिन ये स्टेट तक आने के लिए तो काफी ज्यादा हमें बुद्ध धम्म को प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जैसे आपने कहा भगवान बुद्ध का श्रावक जो बनता है, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि जो गृहस्थ में रहते हैं वो कैसे मैत्री और करुणा की स्टेट में एकदम से चले जाएंगे। जैसे एक बिगिनर है, मतलब जिसको अभी जो अलग अलग थॉट प्रोसेस में अलग अलग लोगों की, मतलब जैसे घर में 4 मेंबर्स रह रहे हैं, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल उसमें जा रहा है पूरी तरह बुद्ध धम्म की उस चर्या में जाना चाहता है, और उसके अंदर वो भाव जागृत हो चुका है, और वो जैसे ही भगवान बुद्ध की बात ही अभी करता है तो उसके अंदर वो होने लगता है कुछ। अच्छी बात है। वो चाहता है कि वो परमानेंटली उस मैत्री और करुणा में रहे और उस बात को पूरा फॉलो करे। तो अच्छी बात है। क्या उसको अपनी जिम्मेवारियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, या उसको अपने उस बात को और ज्यादा मजबूत करने के लिए संसार से क्विट करके आगे निकलना चाहिए? क्योंकि अब उसका इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट है ही नहीं, ना वो डिसइंटरेस्टेड है ना वो इंटरेस्टेड है, तो उसके अच्छा लिए क्या वो गलत तो नहीं कर रहा उस, मतलब उस व्यक्ति के साथ जो घर में रह रहा है? कहीं अपनी जिम्मेवारियों से वो कैसे हम चेक करें कि मेरे अंदर मैत्री करुणा है, या मैं अपने फर्जों से भाग तो नहीं रहा हूं? तो इस पे थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा प्लीज थोड़ा गाइडेंस हाँ, कीजिए। गृहस्थ जीवन जीते हुए जो भी अपने रिश्ते होते हैं, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, जो भी है, उन रिश्तों को निभाना और उनके जो भी अपने कर्तव्य है उनको निभाना अच्छा है, और ये जिम्मेदारी का काम है और वो करना भी चाहिए हर व्यक्ति ने, और सत्पुरुष लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन सत्पुरुष लोग जब भगवान का धर्म भी सुनते हैं तो ये भी समझते हैं कि इस संसार में हम मतलब आए हुए लोग हैं, यानी कि संसार में गिरे हुए लोग हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार बूढ़े होते हैं, बार बार मरते हैं, फिर अपने कर्म के अनुसार फिर जन्म लेते हैं। तो ये जो दुख चक्र है, ये दुख चक्र में हम पड़े हैं, तो हमें इस दुख चक्र से बाहर आना है। तो सबसे पहले मैत्री करुणा अपने ऊपर होनी चाहिए कि मुझे इस दुख चक्र से बाहर आना है। तो उसकी जो मैत्री है, करुणा है, उन पारिवारिक लोगों के प्रति कम नहीं है, ठीक है। उसके मतलब वो अगर अपने मतलब भले के लिए या अपने स्वयं को मुक्ति के लिए धर्म का आचरण करता है या करने के लिए अपना समय देना चाहता है, तो ऐसा करता हुआ अपने परिवार के प्रति जो मैत्री प्रेम है, या चाहे अपनी ड्यूटीज कम करता है, समय इधर ज्यादा देता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके भीतर की मैत्री करुणा कम है, ठीक है। उसकी मैत्री करुणा में कहीं वो इससे ज्यादा मैत्री करुणा थी कि अरे इसको भी, इनको भी धर्म मिले, इनको भी मुक्ति का रास्ता मिले, वे भी इस तरह के मुक्तिदायिनी मार्ग के अनुसार अपना जीवन जिए, ऐसी मैत्री और उनकी दृढ़ हो जाती है, ठीक है। तो जो व्यक्ति ज्ञानी लोग हैं वे लोग अगर वो तो वो माता पिता तो धन्य समझते हैं कि अरे मेरे पुत्र में ऐसी सद्भावना जागी है ना। पहले जमाने में वैसे लोग थे कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं ऋषि बनू या कोई मतलब श्रमण बनू, प्रवज्ञा ग्रहण करूँ ब्रह्म विहार की भावना करने के लिए, तो उनको माता पिता धन्य समझते थे, है ना। लेकिन ये गृहस्थ के लिए इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन ये तो भगवान का धर्म तो विमुक्त दानी सद्धर्म है, और आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपका बेटा उस तरह से श्रेष्ठ आचरण करने के लिए मतलब प्रयत्न करता है। तो वह अपनी जिम्मेदारियां
जितनी है, मतलब वो तो निभानी चाहिए, सब सेट करने के बाद वो अपना काम लग जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि घर में भी रहे और कोई काम भी ना करे, और मतलब इधर भी ज्यादा नहीं करे उधर भी नहीं किया, घर के भी ड्यूटीज है, कर्तव्य है, फुलफिल करें और जो भी धर्म का जीवन है वो भी जिए। अगर वो कंप्लीटली मुक्ति के लिए रास्ते पर आना चाहता है, अगर ऐसा चाहता है, तो माता पिता ने प्रसन्नता जतानी चाहिए कि धन्य समझना चाहिए कि मेरा पुत्र इस तरह का विचार करता है। क्योंकि पुत्र, देखिए, पुत्र प्रेम कभी किसी भी जन्म में कभी खत्म नहीं होता है। आप किसी भी योनि में जन्म ग्रहण करें, पशु हो मनुष्य हो, और एक नहीं करोड़ों करोड़ों अनगिनत करोड़ों जन्मों में भी अगर आपने कितने भी पुत्र हो, एक हो या 100 पुत्र हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो चला जाए। ठीक है, तो वो प्रेम तो रहता है, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं तो समझ लेते हैं कि इसके लिए सबसे श्रेष्ठ बात क्या है। इससे सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि अगर वो व्यक्ति, अपने संसार दुखों से मुक्त होना चाहिए, अगर दुर्गति जाने से मुक्त होना चाहिए चाहे, तो माता पिता के लिए गर्व की बात है कि मैं सचमुच उस ऐसे शुभ कार्य में, ऐसे पवित्र कार्य में मैं योगदान दूं, और सचमुच मेरे एक पुत्र होने, एक पेरेंट्स होने का जो फर्ज है वो मैं पूरा कर रही हुई है, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो आप भी इसी प्रकार मैत्री करुणा से रहें और दोनों धर्म का आचरण करते रहें, मंगल होगा। ठीक है, साधु वंदा में बंदे जी, हाँ जी, आशीर्वाद है। बंदे जी मला एक प्रश्न है कि अपन लोकांशी गाठी भेटी जास्त केली पाहिजे की नाही, कारण जास्त लोकांशी भेटलं नाही आणि स्वतःमध्ये इम्प्रूव्ह केलं तर आपल्यामध्ये चांगले गुण येतात, आणि जर जास्त लोकांशी बोललं भेटीगाठी केली तरी पण मग हे होतंय, म्हणजे वाईट मार्गावरती पण लागू शकतो असं होतं, मग आपण काय करायला पाहिजे? हाँ, सगळ्यात अगोदर आपण बघायला पाहिजे की आपण ज्या व्यक्तींना आपण भेटणार आहोत, ज्या व्यक्तींच्या संगतीमध्ये राहतो, ते व्यक्ती कशा प्रकारचे आहे, त्यांचं वर्तन कसं आहे। ठीक आहे, ते सत्पुरुष आहेत का, 3 रत्नाप्रती श्रद्धावान आहेत का, सम्यक दृष्टिवान आहेत का। जर असे असतील समजा, तर ते कल्याण मित्र आहेत, आणि असे कल्याण मित्रांच्या संगतीमध्ये राहणं हितकर आहे। ठीक आहे, आणि त्या लोकांना मग आपण दिवसातून आपण 2-3 वेळा भेटलो तरी काही हरकत नाही, तिकडून हानी नाही आहे। परंतु जे व्यक्ती म्हणजे दुशील आहेत, 3 रत्नाप्रती श्रद्धा ठेवत नाहीत आणि नेहमी वाईट काम करणार आहेत, या लोकांना भेटूच नाही। आपल्याला जेव्हा समजते की हे लोक अकुशल कर्म करणार आहेत, तर त्यांच्या प्रति फक्त दूरूनच आपण मैत्री करावी, त्यांचंही मंगल हो, त्यांना सन्मार्ग मिळू त्या लोकांकडे। आणि निरर्थक, आता समजा की आता ते चांगले लोक पण नाहीत वाईट पण नाही आहेत, परंतु ते निरर्थक बोलणारे आहेत, म्हणजे जे म्हणजे असं त्यांचं वर्तन प्रकट तर नाही आहे, परंतु काहीही अर्थ नसलेल्या गोष्टी, आपण जिथे जाऊन एकत्र भेटतो आणि गप्पा करत जातो, की एखाद्या फिल्म विषयक, एखाद्या राजकारणाविषयक, नाहीतर एखाद्या ठिकाणाविषयक, नाही का, किंवा आजकाल हिरो हिरोईनविषयी बोलतात, तर यामध्ये काही पडलेलं नाही आहे। म्हणून माहिती आहे का, तशा लोकांपासून जास्त भेटणं गरजेचं नाही आहे, तिथून दूर राहिलेलं चांगलं, पण त्यांच्याप्रती मैत्री सद्भाव ठेवायचा की त्यांचंही मंगल हो। पण जे सत्पुरुष लोक असतात त्यांच्या भेटीगाठी नेहमीच करा, त्यांच्या संगतीमध्ये राहा, मंगल होईल। ठीक नवे आहे, आशीर्वाद। बंतेजी, हाँ जी, नवा बदल। बंतेजी जेव्हा आपल्याला एखादी समजा गाथा किंवा सुत्त पठण जर करायचं असलं, आणि म्हणजे जे अंगुत्तर निकायमध्ये कुद्दक निकायमधले गाथा असतील त्याचा समजा थोडा अभ्यास केला आणि ते आपल्याला जर सांगायचं आहे, कॉन्फिडन्स कमी आहे किंवा समोरची व्यक्ती जी ऐकणारी आहे तर ती व्हॅल्यू देत नाही आहे त्या गोष्टीला, तेव्हा स्वतः पण आपल्याला बस कम्प्लीट करायचं आहे आपलं सांगून, तर ते आपलं मनोबल कसं वाढेल, म्हणजे काय करायचं त्यावेळेला बघा, एखाद्या गाथेचा? तुम्ही जर एक आई असाल किंवा म्हणजे आईचे आईला बघितलं असेल एखाद्या, तर ती आपल्या मुलाला जेव्हा ती काही समजून सांगते, काही चांगली गोष्ट समजून सांगते, नाही का, तर तिच्या हृदयामध्ये खूप प्रेम राहते, मैत्री असते, करुणा असते, आणि सोबतच त्या मुलाचं भलं व्हावं, नाही का, ही भावना राहते, आणि तेवढ्याच
करुणा मैत्रिणी त्या व्यक्तीचं भलं व्हावं या भावनेने त्या व्यक्ती त्या मुलाला काहीतरी सांगते की बघ बाळा तू असं कर, नाही का? आणि तो मुलगा मग ऐकेल किंवा नाही ऐकेल तो त्याचा पाठ आहे, ऐकलं त्याचं भलं आहे ना ऐकलं त्याची हानी आहे, नाही का? तर त्या आईच्या सांगण्यामध्ये जसं काही म्हणजे काही फरक पडत नाही, नाही का, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही बदल होत नाही, तशा पद्धतीने आपण ज्या व्यक्तीला एखादं सूत्र देशना असेल, भगवंताची वाणी सांगतो, ते ऐकत जरी नसतील परंतु आपल्या हृदयामध्ये तशी मैत्री प्रेम असावं, आपल्या डोळ्यातून तसं प्रेम दिसावं आणि भावना हीच असावी की या व्यक्तीचं भलं व्हावं, नाही का? तर तुमची ती धर्मदेशना महान पुण्यदाय बनेल.